चले खबरों की शुरुआत करते हैं। दंतेवाड़ा में लगातार चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान लोन वराड़ू के तहत बड़ी सफलता मिली है, जहां गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले सीआरपीएफ और पुलिस के प्रयासों से 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और मुख्यधारा में जुड़ने का फैसला किया। सीआरपीएफ डीआईजी विनय सिंह ने इसे एक बड़ी सफलता बताया है, तो वहीं एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को स्थानीय भाषा कोंडी में देशभक्ति की शपथ दिलाई। कार्यालय भारत माता की जय के नारों से गुंजायमान हो गया और इन 10 आत्मसमर्पित नक्सलियों में 2 इनामी नक्सली भी शामिल हैं, जिन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़े हर्ष का विषय है कि दंतेवाड़ा जिला में आज गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले 10 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण करने का फैसला किया है। ये बहुत ही सुखद खबर है कि पिछले कई महीनों से जो प्रशासन, पुलिस और सीआरपीएफ का समन्वय और एक साथ ये प्रयास चल रहा था कि किसी भी तरीके से इस जिले को नक्सल मुक्त कराया जाए, उसमें ये सबसे बड़ा अहम कदम आज है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के अंदर इस समय लगातार नक्सल उन्मूलन अभियान चल रहा है, जिसके तहत नक्सल लोगों का आपको बता दें कि आत्मसमर्पण भी किया जा रहा है। इस अभियान को सफलता कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से जिला दंतेवाड़ा के अंदर 10 नक्सलियों की तरफ से आत्मसमर्पण किया गया है। पुलिस इसको एक बड़ी सफलता मान रही है और इसी के साथ इन आत्मसमर्पित नक्सलवादियों के बाद अब पुलिस का ये आगे की रणनीति है कि पूरे जिले को नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त बनाया जाए। इसी पर फिलहाल कार्य भी किया जा रहा है। 10 नक्सलियों ने आपको बता दें कि आत्मसमर्पण किया है, जिनमें कई नक्सली 1-1 लाख के इनाम के भी घोषित थे और फिलहाल इन 10 नक्सलियों की तरफ से आपको बता दें कि आत्मसमर्पण किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशु सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो आशु, फिलहाल किस तरह से 10 नक्सलियों का आत्मसमर्पण हुआ है और किस तरह से नक्सल उन्मूलन जो अभियान है वो इस समय पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर रंग ला रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस प्रशासन है लगातार जो है हर मंच से अपील करती आई है और एसपी भी जो है लगातार अपने नए नए कार्यक्रमों के द्वारा जो है गांव में जा रहे हैं और जो नजारा भी है देखने को मिल रहा है, बदला हुआ नजारा, कि पहले लोग जो है पुलिस को देख करके गांव में छुप जाया करते थे, अब वो चौपाल के जरिए पुलिस को आ करके अपनी समस्याएं बता रहे हैं। कहीं ना कहीं यही सब कारण है कि पुलिस और जो जनता के बीच में जो दूरी कम हुई है, इसी की वजह से जो है जो नक्सली भी हैं अपना जो है हिंसा का मार्ग छोड़ करके जो है रास्ते पे मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि जो अभी गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले आज 25 जनवरी को जो ये बड़ी सफलता मिली, इनमें भी 2 बड़े नक्सली हैं जिन पर 1-1 लाख का इनाम भी था और उनके उन्होंने भी आत्मसमर्पण किया है और साथ ही साथ गोंडी में जो है उनको उनकी जो स्थानीय भाषा है उसमें एसपी ने जो है शपथ दिला करके जो है एक नया पहल किया है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं 10 जो नक्सली है उनकी तरफ से जब आत्मसमर्पण किया गया है तो इसी तरीके से पुलिस की तरफ से भी लगातार ये प्रयास है कि इस अभियान को आगे और बढ़ाया जाए और पूरे राज्य को नक्सल मुक्त पूरी तरह से किया जाए। आशु, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 पहुंच रही है। जी जी तो बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरीके से सवाल ये है कि जिस तरह से पुलिस लगातार नक्सल उन्मूलन जो कार्यक्रम है वो चला रही है और कहीं ना कहीं अब पूरे राज्य को नक्सल मुक्त कराने का जो यहाँ पर प्रयास है वो और भी अधिक बढ़ाया जाएगा प्रशासन की तरफ से। जी बिल्कुल, लगातार जो है कार्य किया भी जा रहा है और डीआईजी, सीआरपीएफ और पुलिस अधीक्षक जो है मिल करके संयुक्त रूप से इस पे काम कर रहे हैं और उनका दावा है कि जल्द ही जो है जो नक्सली मुक्त हो जाएगा, हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य पूरी तरीके से नक्सली मुक्त कर पाएंगे। चलिए ठीक है, देखना होगा किस तरह से जो प्रयास फिलहाल पुलिस के किए जा रहे हैं वो कितने सफल हो पाते आने वाले दिनों के अंदर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।